Il Premier Minister. Can somebody help me? Уважаемый господин премьер-министр, идет перевод? Все нормально? इंडियन प्राइम मिनिस्टर रेजिलिएंट सप्लाई चेन की बात कर रहे हैं, हम आज भी अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं। 50 साल में हमारी प्रायोरिटी 50 साल बाद भी अफगानिस्तान है और इंडिया की प्रायोरिटी 50 साल बाद रेजिलिएंट सप्लाई चेन है। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी वहां मौजूद हैं समरकंद में। मैं तो सलूट के साथ कहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने जितना हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, वज़ीर आज़म का जो हमारा कंडक्ट है पूरी इस सबराई कॉन्फ्रेंस में उससे मतलब, तो समझ नहीं आता कि वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है। और फिर यही हाल नहीं है बल्कि जितने भी साथ अगर आप देखिए वफ्द में जितने भी लोग शामिल हैं, आटा दुगना हो गया, एक किलो आटा 50 रुपए हमारे दौर में एक किलो आटा था, आज वो कराची के अंदर 100 रुपए लीटर से ऊपर चला गया। तो दोस्तों आपने ये छोटा सा क्लिप देखा पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का, ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो शायद ट्रांसलेटर कान में मतलब फिट नहीं कर पा रहा है, एक बार उन्होंने गिरा भी दिया जिसके बाद पुतिन थोड़ा सा हंसे भी। हालांकि मैं इसे कोई बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं समझता हूँ, ऑब्वियसली यार ओल्ड जनरेशन थोड़ा सा टेक्निकली चैलेंज्ड रहते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है, उन्होंने बोला भी कि प्लीज़ मदद करिए, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया या हिंदुस्तान मीडिया इसको काफ़ी नेगेटिव लिया जा रहा है और प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ़ की जा रही है। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन भी हैं और फिर भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी वहाँ मौजूद हैं समरकंद में। अपने वज़ीर आज़म का जो हमारा कंडक्ट है पूरी इस सबराई कॉन्फ्रेंस में उससे मतलब, यूँ लगता है वज़ीर आज़म साहब को देखकर और उनकी जो डिमीनर है, जो जिस तरीके से अपने आप को कंडक्ट करते हैं, लगता ये है कि एतमाद की कुछ कमी है। और जब एतमाद की कमी हो तो फिर आप चीज़ों को ओवरप्ले भी कर जाते हैं और वो मुनासिब नहीं होता इस किस्म के सरबराही इजलास होते हैं। बड़ा बुर्दबारी के साथ अपने आप को लेकर चलना पड़ता है और वो हमें नज़र नहीं आ रहा। आई डू नॉट नो वाई, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का तो बड़ा तजुर्बा है, वो सिर्फ ना चीफ मिनिस्टर रहे हैं बल्कि नवाज शरीफ के छोटे भाई होने के नाते उन्होंने बहुत सी मुलाकातों में भी हिस्सा लिया है माजी में, तो समझ नहीं आता कि वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है। और फिर यही हाल नहीं है बल्कि जितने भी साथ अगर आप देखिए वफ्द में जितने भी लोग शामिल हैं, जिस तरीके से वो मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ हों या वज़ीर ख्वाजा जरदारी हों या तारिक फातमी साहब हों, सब ढीले ढाले तरीके से चेहरे बुझे बुझे हुए और कोई मुस्कुराहट नहीं, टेंस लग रहे हैं, हर कोई टेंस लग रहा है कि न जाने कोई किसी अदालत में पेश हो रहे हैं या कोर्ट ने कोई सज़ा उनको सुना दी है। क्या वजह है बाबा, आप एक इजलास में शिरकत कर रहे हैं, SCO बड़ा अहम ऑर्गेनाइजेशन है, तो एतमाद से जाइए और पाकिस्तान का केस रिप्रेजेंट कीजिए, अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट सही मानों में कीजिए। ये क्या है कि आप लोग ढीले ढाले तरीके से चलते भी हैं और लगता है कि मीटिंग में वाकई ऊँग रहे हैं। मुफ्ती इस्माइल साहब को भी देखा मैंने और बल्कि अब तो खैर बहुत सी एक वीडियो क्लिप भी वायरल हो चुकी है और कुछ तस्वीर भी आ रही हैं जो वायरल हो गई हैं कि ये है जी हमारे जो वफ्द की जो कारकर्दगी, तो क्या उस पर हम तबसरा करें, अपने आप को सही मानों में कंडक्ट भी नहीं कर सकते। और बिल्कुल ये बजाद मेरी भी ऑब्जर्वेशन यही पहले दिन से ये हुई प्रोटोकॉल के लोगों को। इस वक्त जो सबसे रीजनल पॉलिटिक्स में और बायलैटरल रिलेशंस में और मल्टीलैटरल जो पॉलिटिक्स है उसमें जो सबसे बड़ा इवेंट हो रहा है वो तो SCO में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है। हर मुल्क अपने इंटरेस्ट को जो वॉच करता है, दरअसल वहां पे ना तो पाकिस्तान के जो अंदर फ्लड्स हैं उसकी किसी ने बात की है, पाकिस्तान कह रहा है कि अफगानिस्तान के कोई बात नहीं कर रहा, इंडियन प्राइम मिनिस्टर
रिजिलियंट सप्लाई चेन की बात कर रहे हैं, हम आज भी अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं 50 साल में, हमारी प्रायोरिटी 50 साल बाद भी अफगानिस्तान है और इंडिया की प्रायोरिटी 50 साल बाद रिजिलियंट सप्लाई चेन है। तर साहब, इस एससीओ का फायदा उठा के क्या पाकिस्तान को, इंडिया को और ईरान को, अफगानिस्तान को और बाकी ममालिक को अपने अंदर से एक ट्रांजिट रूट नहीं ऑफर कर देना चाहिए था, जिससे एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होता और बल्कि हम इंडिया को डिफेंसिव मोड पे लेके आ सकते थे उससे, अगर हम ये ऑफर करते। आप इस एससीओ को, इस पॉलिटिक्स को और ये जो बायलैटरल रिलेशन है, इसको आपने कैसे रीड किया सर? पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के जरिए बड़े पैसे बनाए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इट वॉज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान। तो वो पाकिस्तानियों को हमेशा उसी के ख्वाब नजर आते रहते हैं कि यार कहीं डॉलर आए तो चले, हो सकता है हमें भी मिल जाए, चले ना भी मिले तो हमारे पाकिस्तान के अंदर डॉलर के ऊपर से उसका जो है वो प्रेशर उठे। हालांकि वो अफगानिस्तान इस वक्त बिल्कुल पाकिस्तान को ना सिर्फ अबैंडन कर चुका है, वहां के लोकल शहरी जो है पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं, इसमें बेशक इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और पाकिस्तानियों को भी, पाकिस्तानी जो हुकूमत है उनको पता है, एस्टेब्लिशमेंट को पता है कि नफरत करते हैं। बल्कि परसों हादसा हुआ है, दो तीन हमारे फौजी शहीद हुए हैं उस एरिए के अंदर, और मुसलसल अटैक कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के बॉर्डर को वो रिकग्नाइज नहीं कर रहे। इस वक्त उनको अगर दुनिया में रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो कतरी कर रहे हैं, कतर कर रहा है उनको रिप्रेजेंट, और उनका झुकाव आज भी जो है वो भारत की तरफ ज्यादा है वर्सेस पाकिस्तान, क्योंकि उन्हें नजर आता है कि भारत से, जो अफगानी समझते हैं कि भारत से कुछ पैसे निकलेंगे, निकल सकते हैं। भारत जो है पहले भी वहां बड़े बड़े प्रोजेक्ट करता रहा है, उनकी पुलिस को ट्रेन करता रहा है, उनकी आर्मी को ट्रेन करता रहा है, बल्कि उनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग बना के उन्होंने तोहफे में दी थी पाकिस्तान। और पाकिस्तान के साथ इस वक्त अफगानी पाकिस्तानियों से उतनी ही नफरत करते हैं जितनी बंगाली नफरत करते हैं। उनके जहन में ये डाल दिया गया है कि अफगानिस्तान की सारी मिजरी जो है, अफगानिस्तान की सारी मुश्किलात का जो एक ही सोर्स है वो पाकिस्तान है। और ये अफसोस वाली बात। और दूसरा, लेकिन एससीओ के हवाले से अगर देखा जाए तो वहां पे मैंने जिस तरह अर्ज किया कि यूक्रेन की वार के अलावा उन्होंने कोई चीज किसी पे तवज्जो देने की कोशिश ही नहीं की, जो कि ज्यादती है। हालांकि अगर रीजनल है, 8 कंट्रीज हैं, तो उन्हें चाहिए था कि हर कंट्री के इश्यूज को डिस्कस किया जाए। और लेकिन दूसरा, चीमा साहब, मैं आप जहां पे ये बताऊंगा कि आपने जो आइडिया ये दे रहे हैं कि यहां से एक कॉरिडोर बनाया जाता है, यहां से बनाई जाए चीज, तो उसके हवाले से जो चाइना का सी पैक इस वक्त फेल हो चुका है, मेरे ख्याल में वो उसमें अब मजीद कोई भी मुल्क जो है उस पर पैसा या सोर्सेज अपने जाया करने पसंद नहीं करेगा, अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस। गिवन सर्कमस्टांसेस वो ये। तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से अब्दुल बासित और कमर चीमा बात कर रहे थे भारत के बारे में और पाकिस्तान के बारे में। भारत को लेकर दुनिया किस नज़रिए से देखती है, पाकिस्तान को लेकर दुनिया किस नज़रिए से देखती है। ऑब्वियसली दोनों का नज़रिया अलग होगा। भारत एक तरफ, दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है पाकिस्तान की, आपको पता है। पाकिस्तान का सीन ये है कि पाकिस्तान को अपना जो देश चलाने के लिए हर बार IMF के पास जाना पड़ता है। पाकिस्तान भारत दोनों एक साथ ही आज़ाद हुए थे, इवन 15 अगस्त को ही होते, हालांकि ये 14 को सेलिब्रेट करते हैं, मैंने 50 बार बताया, आप भी जाके चेक कर सकते हो। तो पाकिस्तान के पास भी अगर एरिया देखें तो बहुत बड़ा एरिया है। दोनों एरिया जब अलग हुए थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश, बहुत बड़ा एरिया था आबादी के हिसाब से, भारत का एरिया भी था। भारत के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे, पाकिस्तान के भी चैलेंजेस ज़्यादा थे। दोनों को अच्छा खासा सब कुछ मिला हुआ था पहले से सेटअप, ऐसा नहीं है कि दोनों देश बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मली थे। ब्रिटिश ने काफ़ी ज़्यादा एक सिस्टम दिया था जो कि सिस्टम अभी तक चल रहा है। ऑब्वियसली आप देखें तो एग्ज़ाम जो हैं, स्कूल और मतलब हर चीज़ तो यार उन्हीं की है यार, क्या है, आप सबको पता है, आपको जो सिस्टम बना के गए थे वो तो वो सब मिला हुआ था। बस उसी सिस्टम से हम कहाँ, हम भी कोई बहुत ऊपर नहीं है, बट थोड़ा सा स्लो रफ्तार पकड़ी। हमारे यहाँ भी सेम टाइप के लोग हैं जैसे पाकिस्तान में थे, करप्शन ये वो फलाना ठिकाना सब कुछ आपको पता है। पाकिस्तान वहीं पे फंसा हुआ है। पाकिस्तान में एक तो पाकिस्तान की आर्मी बहुत बड़ी करप्ट है, तो वो आपको पता है कि उनके जो आर्मी के एक्स जनरल हैं,
या एक्स चीफ हैं वो बाहर बेहतरीन रिटायरमेंट के बाद लाइफ जीते। परवेज़ मुशर्रफ़ की आप देख लें, जनरल कियानी की देख लें, एक बाजवा अभी पकड़ा गया था तो उसको बताया गया था कि भाई ये तेरे 100 से ज़्यादा पिज़्ज़े के फ्रेंचाइजी US में कैसे हैं, भाई तू इतना बड़ा आदमी कैसे। तो आप समझ सकते हो यार, बहुत पैसा है पाकिस्तान आर्मी के पास। और रही सही कसर थोड़ा जो माल बचता है तो पाकिस्तान के लीडर खा जाते हैं, तो नीचे आपको पता है क्या लगाएंगे, वो क्या लगाएंगे। पाकिस्तान के पास अभी हालात और ख़राब हैं, जो फ्लड से बहुत ज़्यादा तबाही मची। फ्लड का जो मतलब नुकसान पता कब चलेगा, जब पूरी तरह से फ्लड शांत हो जाएगा और फिर पता चलेगा कितना नुकसान हुआ। तो आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब।